आज हम बनाने वाले हैं काजू मसाला, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले हमने पानी बॉईल करना है, उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और 15 से 20 कैशू जो है यानी कि काजू हम इसमें कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अच्छे से हम इसे उबलने देंगे और फिर इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे और उसके बाद हमें इसको पीस कर एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए अपना पेस्ट तैयार हो चुका है, अब इसे साइड में रख लेते हैं। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून जो है घी लिया है। अब इसमें मैंने आधा कप कैशू डाल रही हूँ, यानी कम से कम अगेन मैं कम से 15 से 20 कैशू इसमें डाल रही हूँ। इसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इन कैशू को फिर हम बाहर निकाल लेंगे। घी और तेल और ऐड करके हम सूखे ड्राई मसाले, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, छोटी इलायची और 1 चम्मच जीरा डाल के हल्का सा सॉटे कर लेंगे। साथ ही मैंने 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, हमें प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए हम मसालों को भून लेंगे अच्छे से। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो 1/4 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से भूनेंगे हम। जैसे मसाले हमारे भून जाए, हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हमें टमाटर को अच्छे से गलने देना है, यानी कि अच्छे से पकाना है। उसके लिए हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये ऑयल भी छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें हमारा जो कैशू और प्याज का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो हम इसमें मिला लेंगे। अब ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें ग्रेवी कितनी चाहिए हम उतना पानी डाल रहे हैं। तो मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। आधा कप पानी ऐड करके उसमें एक उबाल आने देंगे। उसको बराबर आप चलाते रहें और धीमी आंच पे पकाएं, नहीं तो नीचे से चिपकने का डर है। साथ ही साथ हमने आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाली है, आधा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं। अब जो हमने कैशू फ्राई करके रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। इसमें अब हम एक बार उबाल आने देंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देते हैं। देखिए ये उबल चुका है और हमारी ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो हम इसमें लास्ट स्टेप करेंगे और वो है इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही साथ 1 टुकड़ा मैं इसमें बटर का भी डाल रही हूँ और उसके साथ 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम डलेगी, फ्रेश क्रीम या मलाई, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर दें और बस देखिए हमारा काजू मसाला तैयार है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत टेस्टी बना है। तो एक बार आप ज़रूर इसे बना के ट्राई करें।